तो अभी हम वेक्टर्स को जाएंगे, माने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्लोनिंग ऑफ वेक्टर्स। अभी हम क्या किए हैं, जेल इलेक्ट्रो, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कर दिया हमने, हमने वेक्टर डीएनए को भी सेपरेट करके निकाल लिया और जो सीक्वेंस डीएनए हमें चाहिए वो भी सेपरेट करके निकाल दिया। तो अभी हमको वेक्टर माने क्या मालूम होने का, तो इसलिए अभी वेक्टर के बारे में जाएंगे। वेक्टर कैन बी एनी ऑर्गेनिज्म विच कैन ट्रांसमिट अ डिसीज, पैरासाइट और जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर और फ्रॉम वन सेल टू अदर। माने वेक्टर एक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रह सकता है, जो डिसीज रहने दो, पैरासाइट रहने दो या कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहने दो, वो सबको एक से दूसरों को ट्रांसफर करता है, उसको वेक्टर बोलते हैं। पर हम यहाँ पे कौन सा वेक्टर पढ़ेंगे, ओनली क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे। डिसीज का वेक्टर मालूम होगा आपको, कुछ डिसीज के लिए वेक्टर्स रहते हैं, उससे हमको डिसीज आता है। पैरासाइट माने मलेरियल पैरासाइट है वो, जो मस्कीटो उसमें वेक्टर है वो पास करता है। और अभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन माने हम जो पढ़ने वाले हैं, तो उस अभी हम क्या पढ़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं, वो डीएनए फ्रॉम वायरस भी हो सकते हैं, डीएनए फ्रॉम सेल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, प्लास्मिड ऑफ अ बैक्टीरियम भी हो सकते हैं। प्लास्मिड को मैंने अलग वीडियो बना के डाला है, उसमें देख लीजिए क्या है प्लास्मिड। तो क्या हो गया, अभी स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इंटू विच अ फॉरिन डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पसेस। तो व्हाट इज अ वेक्टर, वेक्टर इज अ स्मॉल, ए वेक्टर एक छोटा पीस ऑफ डीएनए है, और ये डीएनए में हम फॉरिन डीएनए में उसको ऐड करते हैं, और ये दोनों को हम सेल में, दूसरे सेल में क्लोनिंग के लिए यूज करने के लिए ऐसे करके हम इंसर्ट करते हैं दूसरे सेल में। नहीं तो अगर फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली एक दूसरे सेल में डालना है तो नहीं जाएगा, इसलिए हम वो फॉरेन डीएनए को किसको ऐड करते हैं, वेक्टर को। जब हम इसको वेक्टर को ऐड करते हैं तब वो सेल में, दूसरे सेल में इजीली वो अंदर जाएगा। तो क्यों हम ये वेक्टर लोगों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स कौन है, बैक्टीरियोफेज और प्लास्मिड दोनों वेक्टर्स ही है। इनका एक खूबी रहता है, क्या है वो, दे कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोजोम डीएनए इन अ बैक्टीरियल सेल। वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं। रिप्लिकेट माने क्या, बहुत सारा कॉपीज अपने आप को बनाना। अब वो क्रोमोजोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो प्लास्मिड कहाँ रहता है, अगर ये बैक्टीरिया है तो ये उसका डीएनए है, तो प्लास्मिड यहीं पे रहता है। ये डीएनए ये प्लास्मिड को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने आप रिप्लिकेट करता है, इसके कंट्रोल में नहीं रहता ये है। इसलिए हम लोग ये बैक्टीरियोफेज और प्लास्मिड्स को वेक्टर के रूप में हम यूज करते हैं। तो अभी हम एक वेक्टर को जाएंगे, वो वेक्टर को क्या क्या होने का बोलेंगे। तो ये भी, ये डायग्राम मैंने डाला है, तो ये वेक्टर का नाम है PBR322। ये किसके लिए वेक्टर है, टू क्लोन ई कोलाई, ये वेक्टर यूज करते हैं। तो पहले वेक्टर में क्या होने का, पहले ये रीजियन के बारे में पढ़ेंगे। ये रीजियन क्या है, ओरी है, ये रीजियन ओरी है। तो ओरी माने क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो क्या हो गया, सीक्वेंस, ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन माने सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स। यही जो सीक्वेंस है, यहां से ही रिप्लिकेशन स्टार्ट होने का, कहां से, यहां से ही रिप्लिकेशन स्टार्ट होने का। एंड इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ कॉपीज मेड। हम लोग कितना कॉपीज करते हैं उसके लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। हमें 2 चाहिए या 100 चाहिए, उसके लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इफ वी वॉन्ट मोर कॉपीज ऑफ अ डीएनए देन वी शुड यूज दैट वेक्टर हुज ओरी सपोर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ मेनी कॉपीज। अगर हमारा एम है कि हमें बहुत सारे डीएनए कॉपीज चाहिए, तब हम ऐसे वेक्टर को चूज करना है जिसके पास ऐसा ओरी हो जो बहुत सारा कॉपीज बना सकता है। नेक्स्ट हम जाएंगे सेलेक्टेबल मार्कर। यूजुअली सेलेक्टेबल मार्कर्स एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ है ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट वाला है, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाला है। तो ये जो है इसको हम सेलेक्टेबल मार्कर्स बोलते हैं। तो अभी इसका काम क्या है, पहले मैंने लिखा है टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो अभी आपको डाउट आ गया होगा ट्रांसफॉर्मेंट माने क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट माने क्या, मैं वो भी क्लियर करती हूँ। देन उसके बाद फॉर ई कोलाई जीन कोडिंग फॉर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक एम्फिसिलिन क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन और यूज, अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया लिए तो सेलेक्टेबल मार्कर कौन हो जाएगा, वो जीन जो एम्फिसिलिन को कोड करता है, जो टेट्रासाइक्लिन को कोड करता है, क्या रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, रेसिस्टेंट टू एम्फिसिलिन कोड करने का, रेसिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन कोड करने का, रेसिस्टेंस टू क्लोरामफेनिकोल कोड करने का, वो जीन को हम क्या करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर करके ले लेंगे। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स माने क्या है, क्लोनिंग साइट्स माने दीज आर द साइट्स वेयर फॉरिन डीएनए अटैचेस। तो ये वेक्टर को जहां पे आके फॉरिन डीएनए अटैच होता है वो साइट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। यहाँ इनको हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी बोलते हैं। एंड इन दिस यूजुअली हमको क्या है, ये जो पीबीबीआर है बहुत क्लोनिंग साइट्स है इसके पास। कौन कौन सा क्लोनिंग साइट्स है आप देख सकते हो, हिंड थ्री एक क्लोनिंग साइट है, ई कोरई एक क्लोनिंग साइट है, हिंड थ्री यहाँ पे है, ई कोरई यहाँ पे है, आप देख सकते हो ये भी एक क्लोनिंग साइट है, ये भी एक क्लोनिंग साइट है, ये भी एक क्लोनिंग साइट है, ये भी, ये सभी, ये भी क्लोनिंग साइट, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए, इतना क्लोनिंग साइट्स है। यूजुअली वेक्टर माने एक क्लोनिंग, एक रिकॉग्नाइज रेस्ट्रिक्शन साइट है तो बहुत अच्छा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है तो क्या हो जाता है, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं और क्लोनिंग करना भी मुश्किल है। पर हमने जो वेक्टर सेलेक्ट किया है उसको इतना रिकॉग्नाइजेशन साइट्स है कि वो 40 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ये कर सकता है, कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट्स। एंड इन दिस वेक्टर देयर आर फॉर 40 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, कौन सा, ये वेक्टर में जो हमने लिया है अभी। और वही मैंने जो बोला यहाँ लिखा है, ऑलवेज बेटर टू हैव वन अदरवाइज मेनी फ्रेगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड मेक्स क्लोनिंग डिफिकल्ट। तो रेस्ट्रिक्शन साइट एक है तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाता है, क्लोनिंग डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का ये एग्जाम्पल ये सभी है, और ही आपको मैंने बताया है कहाँ से, रिप्लीकेशन स्टार्ट होने का, स्टार्टिंग ऑफ रिप्लीकेशन, वहां उसको हम क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं। एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, दीज आर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स, ये क्या एक्ट करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स है। और एक और रीजियन है आरओपी, आरओपी ये क्या करता है, मेनली फॉर नंबर ऑफ कॉपीज टू बी मेड, दैट इज रिप्लीकेशन ऑफ प्लास्मिड, कितना कॉपीज बनाने का, प्लास्मिड कितने बार रिप्लीकेट होके कितना कॉपीज प्रोड्यूस करने का, वो काम कौन करता है, आरओपी। नॉर्मली हमारा टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम ही दिया है, पर अब रेफरेंस बुक्स लिया तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये ऐसा एरो डाल के ये टेट्रासाइक्लिन का रिकॉग्नाइजेशन साइट, ये ऐसा डाल के ये एम्फिसिलिन का साइट, और ये ऐसा डाल के ये ओरी का साइट करके बोल रहे हैं। पर टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया, बस इतना ही दिया है, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही हम जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, तो हमको ओरी का यूज मालूम हो गया, कहाँ से रिप्लीकेशन स्टार्ट होता है, आरओपी का यूज कहाँ क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज बनाने का, टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट वो सब क्या करता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स के जैसे काम करता है, बाकी ये सभी रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या करते हैं, वहां पे आके फॉरिन डीएनए अटैच हो सकता है। तो ये हमारा क्लोनिंग साइट्स हो गया। अभी आपको ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स माने क्या करके आपको डाउट था, यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर में मैंने लिखा था टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो मैं बताती हूँ ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स माने क्या है। ट्रांसफॉर्मेंट्स माने क्या हो जाता है ट्रांसफॉर्मेंट्स में, अभी एक ये डायग्राम देख लीजिए आप।
तो ये डायग्राम में क्या हो गया, द सेल हैज टेकन अप द अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डायरेक्ट डायग्राम को जाएंगे, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये फॉरेन हमको ये सीक्वेंस चाहिए था तो यहाँ पे कट कर दिया फॉरेन डीएनए में, और यहाँ पे वेक्टर डीएनए में कट कर दिया। उसके बाद हमने लाइगेज डाले, ये आके यहाँ पे ज्वाइन हो गया, और अभी हम इसको जाके ये बैक्टीरियल सेल में डाले, बैक्टीरियल सेल में डालने के बाद ये वाला डीएनए को एंटर कर दिया, न्यूक्लियस में जाके कॉपीज बना रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ये एंटर कर दिया पर न्यूक्लियस को चेंज नहीं किया है ये वाला ने, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, एंड ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। जब भी ऐसा वेक्टर और ये ज्वाइन होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज पुट इनटू अ सेल, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल में डालते हैं, वो प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये मालूम हो गया नहीं, ट्रांसफॉर्मेंट क्या है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है आपको, तो ये हो गया। तो अभी मैं बताती हूँ क्या करते हैं ये लोग। तो अभी क्या हो जाता है, हमारा वो वेक्टर का डायग्राम देंगे। अभी क्या हो गया, हमने एक फॉरेन डीएनए को डाल दिया, ये फॉरेन डीएनए आके ये साइट में अटैच हो गया। अगर ये साइट में अटैच हो गया तो क्या हो गया, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाला जीन गया, इसके बदले में कौन आके बैठ गया, यहाँ पे फॉरेन डीएनए आके बैठ गया। तो हमारे पास अभी क्या है, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन ही है, ठीक है। तो ये सोचिए टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन यहाँ पे है और एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन यहाँ पे कट हो गया, कौन कट हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन कट हो गया, और कौन आके बैठ गया यहाँ पे, फॉरेन जीन। अभी हमारे पास क्या है, ओनली एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं है। तो अभी क्या होता है, हम कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, अभी ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ऐसे तो हमको उनको डिवाइड निकाल देने का, बाद में ये ऐसे गया और ट्रांसफॉर्मेंट बनाया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बनाया। अभी हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करने का, कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इसलिए हम कल्चर मीडिया लेते हैं, ये एम्फिसिलिन कल्चर मीडिया, ये टेट्रासाइक्लिन कल्चर मीडिया। जब हम एम्फिसिलिन कल्चर मीडिया में डालेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट में ग्रो होगा, ट्रांसफॉर्मेंट भी ग्रो होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी ग्रो होगा। पर जब हम टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अकेला ग्रो होगा। क्यों यहाँ दोनों ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट में भी एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। ले लो ये डायग्राम ले लो, ठीक है। उसके पास एक प्लास्मिड रहता है, तो उसके पास क्या है, उसके पास ट्रांसप्लांट में दोनों जीन है, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट वाला भी है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाला भी है, इसलिए एम्फिसिलिन में दोनों ग्रो होते हैं। किसमें, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में। ट्रांसफॉर्मेंट में क्या है, उसके पास एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, इसलिए वो ग्रो हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं होता, ओनली नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो होता है, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास अभी भी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, पर ट्रांसफॉर्मेंट के पास क्या है, वो निकाल के वहां पे आके फॉरेन डीएनए बैठा है। तो ऐसे करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिस्टिंग्विश करते हैं, पर ये बहुत मुश्किल है हमको 2-3 कल्चर मीडिया ऐसा लेने का। इसलिए अभी एक इजी मेथड फाइंड आउट किया है, जिससे हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर सकते हैं। वो इजी मेथड है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मेथड। वो इजी मेथड कौन सा है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मेथड। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज, अभी क्या करेंगे, अभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कल्चर में नहीं डालेंगे, अभी इसको हम क्या करेंगे, ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इज इंसर्टेड इनटू कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक एंजाइम में डाल देते हैं, बीटा गैलेक्टिडेज। तब क्या हो जाता है, वो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। जब ये एंजाइम को हम सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट माने क्या,
कलर रहने वाला सबस्ट्रेट जब उसके ऊपर डालते हैं तब क्या हो जाता है? अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है तो नो कलर इज प्रोड्यूस्ड। ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर क्या भी कलर नहीं आता। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एब्सेंट माने क्या आ जाता है, वो उसमें ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड कॉलोनीज आ जाते हैं। तो तब क्या हो जाता है, तो हमें मालूम हो गया किसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, किसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए एब्सेंट है। जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए एब्सेंट है वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें प्रेजेंट है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट। तो हमने अभी इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये इजी मेथड है, वो कल्चर यूज करने से भी ये बहुत ही इजी मेथड है। अभी हम दूसरे वेक्टर्स को जाएंगे। वेक्टर एक ऐसा डीएनए बस वैसा प्लास्मिड बैक्टीरियोफेज वही वेक्टर्स नहीं रहते, दूसरे भी वेक्टर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल पैथोजन। पैथोजन माने क्या, जो डिसीज प्रोड्यूस करता है, जो भी वायरस हो फंगस हो या बैक्टीरिया हो, क्या भी जो डिसीज प्रोड्यूस करता है उसको हम पैथोजन बोलते हैं। ये पैथोजन डाइकॉट प्लांट का है। डाइकॉट प्लांट्स माने मालूम है ना, उसका उसका नाम है एग्रो बैक्टीरियम क्यूमीफेशियंस, माने अग्रो ये एक बैक्टीरियम है। ये क्या करता है, यूजुअली नॉर्मली क्या करता है, ये प्लांट सेल्स को अटैक करता है। अटैक करके उसके पास एक टी डीएनए रहता है, वो टी डीएनए वो प्लांट सेल्स के अंदर डाल देता है। तब वो प्लांट सेल्स क्या हो जाता है, ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स माने क्या, कैंसर सेल्स। तो वो ग्रो हो जाते हैं ऐसे 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 होके ट्यूमर जैसा कैंसर जैसा ग्रो हो जाते हैं। तो ऐसा करता है ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्लांट्स में नॉर्मली। तो और ऐसे इसको इतना ट्यूमर सेल्स बना के वो क्या करता है, नाउ दीज विल प्रोड्यूस केमिकल्स वॉट इट वॉन्ट्स, वॉट द पैथोजन वॉन्ट्स। उसको खाने के लिए या कुछ काम के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए होता है। तो ये जो उसने कन्वर्ट कर दिया नहीं प्लांट सेल्स को ट्यूमर सेल्स में, वो उसके लिए वो जो केमिकल्स चाहती है वो बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस करती है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है वो बैक्टीरिया का, किसका, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अभी मैन ने इसको कैसे यूज किया, मैन ने क्या किया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड माने वही टी डीएनए को इससे बाहर निकाला, ऑफ एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, उसने उससे बाहर निकाल के उसको एक क्लोनिंग वेक्टर में बदल दिया और उसको नॉन पैथोजेनिक बनाया। और अभी वो क्या करता है, उससे वो ट्यू ये टी आई प्लास्मिड वो बैक्टीरिया का डिलीवर्स जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट इनटू प्लांट्स। तो हमारे हमको क्या चाहिए, वो जीन लेके ये प्लास्मिड को अटैच करके हम लोग वो प्लांट सेल के अंदर डाल देते हैं। अभी मैन ने ऐसे यूज किया उसको, अभी हमको क्या हुआ, वी कैन गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज प्लांट्स। तो आपको समझ में आया क्या हुआ, मैन ने कैसे यूज किया इसको। नॉर्मली क्या होता है, ये टी डीएनए डाल देता है, ट्यूमर सेल्स हो जाते हैं पैथोजेनिक करके, उसको क्या केमिकल्स चाहिए वो प्रोड्यूस करता है। पर मैन ने क्या किया, उसका ये जो प्लास्मिड अलग कर दिया, उसको नॉन पैथोजेनिक बना दिया और उसको उसका कौन सा जीन चाहिए उसको अटैच करके प्लांट सेल में डाल दिया। अभी प्लांट सेल मैन को क्या चाहिए वो प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो ऐसा एक और एग्जाम्पल है, वो है रेट्रोवायरसेस। ये एनिमल्स में देखते हैं, रेट्रोवायरसेस नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी वो एनिमल सेल्स को अटैक करते हैं वो एनिमल सेल्स को कैंसरस बना देते हैं। तो मैन ने कैसे यूज लिया इसको, ये रेट्रोवायरसेस को उसने डिसार्म कर दिया माने हार्म नहीं पहुंचने का ऐसे कर दिया, और उसको फिर वेक्टर जैसा करके उसको कौन सा जीन चाहिए उसको उसको अटैच करके वो एनिमल सेल में डाल दिया। और वो एनिमल सेल जैसे मिल्क प्रोड्यूस करना या कुछ और ज्यादा करना क्या भी हमें चाहिए, उससे वो प्रोडक्ट्स निकालने में इजी हो गया उसको। तो ये मालूम हो गया। तो क्या है, अदर्स रेट्रोवायरस है, टी आई प्लास्मिड भी हम वेक्टर जैसा मैन यूज कर रहा है। अभी हमने आरएनए को बना लिया क्या, और आरएनए नहीं सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लिया, यहाँ पे बना लिया है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको सेल के अंदर कैसे डालने का, ऐसे ही नहीं जाता ये अंदर। तो अभी हाउ आर डीएनए इज पुट इनटू दी सेल। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल माने पानी को बहुत लाइक करता है वो।
बट इट के नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो क्या है ये डायरेक्टली सेल में अंदर नहीं जा सकता। इसको इस सेल के अंदर फिर कैसे जाने का, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और ये जो है ये लिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन, तो लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक रहता है, इसलिए इसको इसके अंदर जाना अपने आप नहीं जा सकता। तो क्या करने का, हम लोग केमिकल मेथड यूज करते हैं, फिजिकल मेथड यूज करते हैं इसको अंदर डालने के लिए। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, वो होस्ट सेल माने ये सेल, ये सेल को लेके क्या करेंगे, इसको हम कैल्शियम डाइवेलेंट कैल्शियम आयोन से ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, डाइवेलेंट कैल्शियम आयोन से ट्रीट करेंगे। जब ऐसे ट्रीट किया तो उसमें क्या हो जाता है, पोर्स बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। होल्स बन जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये आरएनए और इसको जहां पे होल्स बन गए ना अभी, तो होल्स बनने के बाद इन दोनों को हम लेके क्या आइस में इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद फिर इमीडिएटली इन दोनों को 42 डिग्री हीट शॉक देंगे। उसके बाद इन दोनों को वापस फिर आइस में डाल देंगे। ऐसे करने से आरडीएनए उस सेल के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल मेथड्स, फर्स्ट मेथड क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। इसमें डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन, स्मॉल माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द एनिमल सेल न्यूक्लियस इंजेक्शन हम डाल सकते हैं। बायोलिस्टिक्स माने जीन गन, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए और बम्बार्टेड टू प्लांट सेल्स, माने हम लोग गोल्ड टंगस्टन का बहुत स्पीड जाने वाला पार्टिकल्स को लेके उसके ऊपर डीएनए कोट करके उसको सेल को गन जैसा मारते हैं, बम्बार्ड करते हैं सेल को, तब अंदर चला जाता है। नहीं तो लास्ट है डिसआर्म्ड पैथोजन यूज कर सकते हैं। पैथोजन माने क्या, डिसीज प्रोड्यूसिंग वन ऑर्गेनिज्म, डिसआर्म्ड माने अभी वो डिसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको करके इन्फेक्ट कर सकते हैं सेल को। इन्फेक्ट करने के बाद ये आरडीएनए सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये मेथड्स है कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर डाल सकते हैं। अभी हमने उसको सेल के अंदर डाल दिया, आफ्टर डी आर एन ए हैज ट्रांसफॉर्म द सेल प्रोड्यूसर्स द डिज, तो अभी आर डी एन ए को किया, अभी हमको क्या मिले, तो हमने डाल दिया, अभी वो अंदर गया, हमको ट्रांसफॉर्मेंट्स मिला। और ट्रांसफॉर्मेंट्स हमको क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमको जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस कर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, पर बहुत कम रहता है वो, हमें कितना बहुत चाहिए, सो वी वांट दिस इन ह्यूज अमाउंट्स। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर सेल हैविंग दीज क्लोन जीन्स और ग्रोन इन बायो रिएक्टर्स। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे वाले लोगों को, इस सेल्स को हम अभी बायो रिएक्टर्स में ग्रो करेंगे। बायो तब हमको लार्ज अमाउंट में ये मिलेगा। ये बायो रिएक्टर्स में क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम रहता है, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता रहता है इन सेल्स का, और कंटिन्यूअस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी प्रोड्यूस होता जाता है। तो बायो रिएक्टर क्या है, इट इज अ वेसल विच प्रोड्यूसेस ऑप्टिमल टेम्परेचर पीएच सबस्ट्रेट सॉल्ट्स विटामिन ऑक्सीजन फॉर कंटिन्यूअस कल्चर ऑफ द सेल्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। माने ये एक वेजल जैसा है, वेजल माने जो खाना पकाते हैं ना वो वाला सामान, तो वो ऐसा है, और उसमें वो क्या करता है, ऑप्टिमल अच्छा टेम्परेचर पीएच क्या चाहिए वो कल्चर में ये ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो होने को, वही टेम्परेचर पीएच ऑक्सीजन विटामिन्स ये सब मेंटेन करता है, और यहाँ पे कल्चर चेंज होता जाता है कंटिन्यूअसली, ताकि नया नया कल्चर डालते जाते हैं, ताकि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट्स भी उतना ही ग्रो हो, और ट्रांसफॉर्मेंट्स में हमें जो प्रोटीन चाहिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वो भी बहुत ज्यादा मिलता ही जाता है। सो यूजुअली हम जो बायो रिएक्टर्स यूज करते हैं फैक्ट्रीज में, स्टिरिंग टाइप ऑफ बायो रिएक्टर्स आर यूज्ड,
और इसमें दो प्रकार के हैं, सिंपल स्टिर्ड टैंक एक है, स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक है। दोनों में कैसा है, टैंक इज सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलेंडर शेप है, और बेस जो है कर्व्ड, माने टैंक ऐसा बेस इसका कर्व है। क्यों कर्व है, ताकि वो मिक्स कर सके, कंटेंट्स को मिक्स कर सके। नेक्स्ट स्टिरर, स्टिरर माने ऐसा रहता है, वो स्टिर करने के लिए रहता है, स्टिरर ऐसा रहता है, वो रहता है। तो क्या है उसको, इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ताकि वो स्टिर करते समय मिक्सिंग भी इवन हो और ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो। और बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं इसमें, क्या क्या, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, और इसके पास सैम्पलिंग पोर्ट्स रहते हैं। पोर्ट्स माने छोटा छोटा ऐसे, ये रिएक्टर सोचो, ये वाला पोर्ट है, यहाँ से वो लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडियम निकालते हैं पीरियोडिकली, माने कुछ दिन, दो तीन दिन को एक बार निकालना, ऐसे निकाल के टेस्ट करना या देखना कि वो अच्छा है कि नहीं, ये सब। तो उसके पास सैम्पलिंग पोर्ट्स भी रहते हैं। लास्ट प्रोसेस इसमें क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, मार्केटिंग से पहले क्या करने का, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अभी बायो रिएक्टर से हमने सब कुछ लिया, उसको हम सेपरेट करने का, उसको हम प्यूरिफाई करने का, और उसको हम वो प्रोटीन जो भी हमें मिला, और उसको हम प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करने का, ताकि वो बहुत दिन तक रह सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या है, वो जो केमिकल्स जो ऐड करने से उसका लाइफ बहुत, शेल्फ लाइफ बहुत लॉन्ग हो जाता है, वो भी ऐड सब करने का, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग। और इसके बाद हम मार्केटिंग, बेचने का।